हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपार फर्नीचर्स में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको पता चलेगा क्यों बबल आता नहीं है जब हम पूरा सीट चिपकाते हैं। अगर आप वीडियो लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि क्लाइमेक्स लास्ट लास्ट में ही है, जिसमें मैंने अच्छे तरीके से बताया क्यों बबल आता नहीं है, तरीका क्या है सही तरीके से चिपकाने का पूरे सीट को। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और स्किप मत करिए, पूरा देखिए वीडियो। अब हम लोग फेविकोल को अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे एक बराबर। तो धीरे धीरे हम इसे अप्लाई करते करना स्टार्ट करते फेविकोल को। तो यहाँ पे हम लोगों ने फेविकोल के अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। अप्लाई के ऊपर एक बराबर कंघी अच्छे तरीके से बना के रखा हुआ था हम लोगों ने, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। तो ये हम लोगों का फेविकोल लगाने का प्रोसेस चल रहा है। अब जब तक फेविकोल हमारा पूरे पूरा लग नहीं जाता, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो हम लोग फेविकोल अप्लाई कर रहे हैं शीट के ऊपर एक बराबर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फेविकोल को अच्छे तरीके से अप्लाई करना प्लाई के ऊपर, तभी जाके लैमिनेट चिपकेगा और बबल नहीं आएगा। यहाँ पे हम फेविकोल को अप्लाई कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो। थोड़ा फेविकोल और लगेगा तो हम फेविकोल को लेते जाएंगे और अप्लाई करते जाएंगे। अच्छा दोस्तों, कमेंट करके बताइए कितने लोग लगाते हैं, मतलब बबल आता है। वेदर कंडीशन भी बहुत मायने रखता है। अगर मौसम ठंडा है तो कम से कम फेविकोल लगाना चाहिए। अगर मौसम गर्म है तो थोड़ा फेविकोल आप ज़्यादा थिकनेस का लगा सकते हो, लेकिन कम है तो पतला ही लगाना चाहिए, रिकमेंड करूँगा मैं। अगर ज़्यादा मोटा लगाएंगे तो बबल आने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठंडी के सीज़न में या बरसात हुआ जिस समय मॉइस्चर या ये सब ज़्यादा रहता है। और पेस्टिंग के बाद कम से कम 30 घंटे वेट करना चाहिए चिपकने के लिए अच्छे तरीके से। प्रेशर पूरा रखना चाहिए प्लाई के ऊपर। और दूसरी एक चीज़ और गौर करने की बात है कि लैमिनेट के अंदर बेंड नहीं होना चाहिए, बेंड है तो ज़्यादा ही प्रेशर रखना पड़ेगा आपको ऊपर से, तब जाके चिपकेगा और तब बबल आने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। जब लैमिनेट टेढ़ा मेढ़ा ऐठा हुआ रहता है तब, और ऐठा हुआ लैमिनेट ज़्यादा दिन बंडल ना खोलने के कारण होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो हम लोगों ने फेविकोल अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया। अब हम लैमिनेट को लाएंगे इसके ऊपर रखने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने लैमिनेट को ले लिया है और अब यहाँ इसको एक तरफ से रखना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। तो ये हम लोगों ने एक तरफ से लैमिनेट को रख दिया। लैमिनेट रखने के बाद से ये देखिए, ये सबसे बड़ा पोर्शन है। जो लास्ट तक वीडियो आप देख रहे हो उनको ही फ़ायदा होगा, समझ में आएगा कि करना क्या था। तो ये जो 4 फीट का बॉटम है उस पर हमने पेपर लपेट के रखा हुआ है घसने के लिए, मतलब इक्वल प्रेशर पड़ेगा। तो ये शुरू पीछे से लेके आगे तक आपको इससे घस देना है ताकि फेविकोल अच्छे तरीके से मिल जाए अंदर के अंदर। लोग क्या करते हैं, एक तरफ फेविकोल लगाते हैं और घसते नहीं अच्छे से, वो लोग पैर से हाथ से घस देते जिसकी वजह से